राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और लोगों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए बताया कि राज्य में सख्त पाबंदियां लगाना जरूरी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और लोगों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हमें अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। हम अब भी टीकाकरण में थोड़ा पीछे हैं और यह कहते हुए कि यह सही नहीं है, उन्होंने टीकाकरण को बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने 100% टीकाकरण कराने का संकल्प जताया। वह मुंबई में मीडिया से बात कर रहे थे। पिछले 8 दिनों में 20 दिसंबर के बीच महाराष्ट्र में 5 से 6 हजार सक्रिय रोगी थे, लेकिन अब महाराष्ट्र में 11,492 रोगी है। यह संख्या 20,000 तक जा सकती है। मुंबई की तुलना में मुंबई में लगभग 300 मामले थे, अब वहां बुधवार को 1300 मामले है। बुधवार शाम तक करीब 2,200 मामले सामने आएंगे। 7 दिन में मरीजों की संख्या 7 गुना बढ़ गई है। 2 दिनों में 2 गुने होने की स्थिति होने की जानकारी राजेश टोपे ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली में बहुत सारे प्रतिबंध बढ़ा दिए गए हैं। वहां सभी पुराने प्रतिबंध लाए गए, मॉल, रेस्टोरेंट, शादियां सभी प्रतिबंधित है। यदि आप चीजों को हल्के में लेते हैं तो लागत में तेजी से वृद्धि होगी, इसलिए हर हाल में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। मला असं वाटतं खासगी क्षेत्राच्या कर्मचाऱ्यांनाच फक्त हे करून नाही चालणार, तर आपल्याला ओव्हरऑलच सिच्युएशन जर डबलिंग रेट इतका झपाट्याने वाढत असेल तर काळजी घेण्याची गरज आहेच। आणि आता मी सांगतो काय की दिल्लीमध्ये अनेक ठिकाणी ह्या सगळ्या रेस्ट्रिक्शन्स लागलेल्या आहेत आणि अनेक राज्य या सगळ्या बाबतीत आता लक्ष ठेवून आहे। केंद्र सरकारची सुद्धा टीम आज महाराष्ट्रामध्ये निश्चित प्रकारे सगळीकडे 2-3 दिवसाचा दौरा त्यांचा केला जातोय आणि या सगळ्याच गोष्टी ते तपासतायत की वॅक्सिनेशनचा ड्राईव्ह कसा केला जातोय, ओमायक्रॉनचा काय परिस्थिती आहे किंवा प्रिपरेशन कसं आहे, या सगळ्याच अनुषंगाने मी एक नक्की सांगेल की वेव जरी असली तरीसुद्धा महाराष्ट्राचं आरोग्य विभाग हे संपूर्णतः बेड्स, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ, मेडिसिन्स आणि संपूर्ण जो काही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या सगळ्या अनुषंगाने आपण तयारीत आहोत, त्यामुळे असं घाबरून जाण्याचा काही कारण नाही हे सुद्धा मी अतिशय नम्रतापूर्वक सांगू इच्छितो। फक्त काळजी घ्या हा मात्र माझा जाणीवपूर्वक या निमित्ताने सूचना असणार आहेत, कारण डबलिंग रेट हा निश्चित प्रकारे खूप जास्त लॉकडाऊन संदर्भात आपण काही निकष ठरवलेले आहेत की बाबा ऑक्सिजनची एवढी मागणी वाढली की आपण लॉकडाऊन लावायचं, त्या संदर्भात आता काय आपला विचार? 700 मेट्रिक टन पर्यंत जर ऑक्सिजनचा खप गेला की मग आपण लॉकडाऊन करतो, ही जी काही नोटिफिकेशन मध्येच आपण मागच्या 6 महिन्यापूर्वीच मला वाटतं ही अट घालून ठेवलेली आहे आणि त्यामुळे त्या अनुषंगाने आपण काम करतो। पण आज ऑक्सिजनच्या बाबतीतली निकड अजिबात नाही आहे किंवा ऑक्सिजन लागतं आहे अशातले काही पेशंट्स नाही आहेत, पण संख्या मात्र वाढते आहे एवढंच मात्र सध्याचा विषय आहे। सर, आरोग्य विभागाकडनं एक पत्र दिलं